हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी पेट्स चैनल। और मैं जब बताऊंगा आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, आपको किस तरीके से पता लगेगा और उसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, और कितने दिन के बाद आपकी कैट जो है प्रेग्नेंट होने के बाद आपके कितने दिन के अंदर आपकी कैट किटन्स को देगी, तो इस वीडियो में पूरा जो है समझाऊंगा किस तरीके से जो है कैट प्रेग्नेंट होगी, आपको किस तरीके से पता लगेगा और कितने दिन के बाद आपकी कैट किटन्स को देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आई जी पेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपकी कैट मीटिंग होने के बाद आपको जो है उसकी हीटिंग का जो है डेट आपको पता होना चाहिए, यानी कि कुछ कैट जो है 5 दिन में हीट जो है कंप्लीट होती है या फिर कुछ कैट की हीटिंग जो है 7 दिन में कंप्लीट होती है। तो आपको जो है उसकी डेट का पता होना चाहिए। उसकी डेट होने के बाद में जो है आपको वहाँ से लेकर 60 दिन या फिर 62 डेज के बाद में जो है आपकी कैट जो है किटन्स को देगी। तो उसके बाद में जो है आपको डेट पता होना चाहिए कि कब आपकी कैट जो है हीटिंग कितने दिन तक आती है, यानी कि 5 दिन से 7 दिन तक हीटिंग होती है उनकी। वो हीटिंग होने के बाद में जो आपको काउंटिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको 62 डेज के बाद में जो है आपकी कैट किटन्स को देगी। तो दोस्तों, आपको तो पता लग गया कि आपको 62 डेज के बाद में जो है आपकी कैट जो है किटन्स को देगी, लेकिन आपको कैसा पता लगेगा कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, यानी कि आपको जो है 20 डेज होने के बाद में आपकी कैट के हीट होने के बाद में कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में जो है आपको 20 डेज होने के बाद में जो है आपके कैट के जो निपल्स होते हैं, जो चेस्ट एरिया होती है उसके वहाँ पे जो है आपकी कैट के जो निपल्स का साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है उससे पता लगा सकते हो कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, यानी कि 20 डेज के बाद में जो है आपकी कैट के जो निपल्स होते हैं वो जो है साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और 20 डेज के बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो है 30 डेज के बाद में जो है उसका स्टमक भी जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है उससे पता लगा सकते हो कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं। तो दोस्तों, 30 डेज के बाद में जो है आपकी कैट का पेट जो है स्टमक जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है उसको केयर करिए, यानी कि उसको जो है जंप करने ना दे। जंप करने से आपकी कैट के किटन्स जो है मर सकते हैं, यानी कि आपकी कैट के किटन्स जो है प्रेगनेंसी भी चले जा सकती है। इसलिए आपको जो है उसका केयर करना पड़ेगा। उसको जो है पिंजरे में या फिर कोई रूम में जो है रखिए, उसकी जो है केयर करिए। उसको जो है ज़्यादा जंप करने ना दे, ज़्यादा रन करने ना दे, यानी कि भागने दौड़ने को ना दे। आप जो है उसकी केयर करिए, और जो है उसके बाद में जो है आपकी 60 डेज हो जाएंगे या फिर 62 डेज हो जाएंगे, उसके अंदर जो है आपकी कैट जो है किटन्स को देगी। आपको जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है। आपको पूरा ये 60 डेज जो है 2 मंथ्स जो है आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, यानी कि वो जो है भागे ना या फिर जंप ना करे, इसकी जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपको स्टमक को जो है लग सकता है, लगने के बाद में जो है किटन्स भी आपकी कैट जो है प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, इसलिए जो है आपको उसका केयर करना पड़ेगा, उसकी जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है देखते रहिए आईजी पेट्स चैनल।